क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक हमसे कहा गया है राइट द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस का हमें एनथ टर्म गिवन है, ठीक है ना, हमें शुरू के पांच टर्म फाइंड करने हैं और हमसे कहा गया है ओब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, उसके बाद सीरीज भी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए 11 क्वेश्चन में हमें A1 तो पहले से गिवन है कि इस सीक्वेंस का पहला टर्म जो है वो 3 है और nth टर्म जो है वो 3an-1। an-1 का मतलब है कि ये n-1th टर्म है, जैसे an होता है ना nth टर्म, उसी तरह से an-1 मतलब ये है कि n से पहले वाला टर्म, ठीक है ना, n-1th टर्म। और प्लस कर दो फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, हम यहां पर n की जो वैल्यू को कर सकते हैं यहां पर इस nth टर्म में वो 1 से ज्यादा ही को कर सकते हैं, ठीक। तो हमें उसके पांच टर्म निकाले, पहला टर्म हमें फाइंड है तो हम क्या पुट करेंगे, n की जगह एक से ज्यादा पुट करना, अगर 2 पुट करेंगे 3, 4 और 5, ठीक। तो इस nth टर्म में हम n की जगह 2 पुट करें, सबसे पहले तो ये हो जाएगा a2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3 a, n की जगह कितना पुट करा 2 -1, तो ये देखिए इस तरह से है सफिक्स में a 2-1 किस तरह से, तो a 2-1 कितना हो जाएगा a1, a प्लस का 2 बाहर आ गया इस तरह से, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 3 a 2-1 मतलब यहां हो गया 1। अब इस a1 का मतलब हो गया कि पहला टर्म, a1 का मतलब हो गया पहला टर्म, और पहला टर्म हमें पता है क्या है 3, वो हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है, तो हम इसकी जगह a1 के लिए क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे प्लस, तो 3 की जगह कितना हो गया 9 प्लस 2, तो हमारा सेकंड टर्म जो आ जाएगा 11 हो जाएगा। देखिए इस वाले सीक्वेंस का पहला टर्म 3 था, उसकी मदद से हमने सेकंड टर्म फाइंड किया तो कितना आ गया हमारा a11, मतलब 11 आ गया। अब मैं अपनी जगह 3 पुट कर रहा हूं, तो जैसे ही 3 पुट करेंगे तो जहां जहां पर n है ना वहां 3 पुट कर देंगे, तो a3 इक्वल टू 3 a 3-1 इस तरह से, और प्लस का 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 3 3-1 कितना हो जाएगा a2, तो एक मोमेंट में होता सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म हमने यहां पहले फाइंड कर लिया है, तो उसकी मदद से हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा, तो 3 a 2 की जगह कितना लिखूंगा 11 और प्लस का 2, तो 11 3 जा 33 प्लस 2 कितना जाएगा 35 आ जाएगा, तो इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म हमारा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब a 4 लिख रहे हैं, फोर्थ टर्म आ जाएगा, तो जहां पर n और 4 को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 a 4-1 प्लस कर, तो ये जाएगा 3 मल्टीप्लाई a3, ये जाएगा 4-1 मतलब a3, a3 हमने पहले कर दिया है वो है 35, तो यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 35 प्लस कर 35 3 जा 105 और प्लस, तो भैया इस टर्म का इस सीक्वेंस का फोर्थ टर्म जो हो जाएगा वो 107 है। अब फिफ्थ टर्म फाइंड करते हैं क्योंकि हमसे 5 टर्म्स फाइंड करने के लगा है, तो लास्ट में 5 भी को करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 a की पावर a और यहां लिखेंगे कितना 5-1 और प्लस का, ये हो जाएगा 3 a4 प्लस 2, तो a4 हमने पहले फाइंड कर दिया वो है 107, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 107 प्लस 2, 3 की मल्टीप्लाई 107 से कर दो तो कितना आएगा 321 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 320। तो इस तरह से हमारा फिफ्थ टर्म डिफाइन हो गया, तो यहां पर आप लिखेंगे सो 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, देखिए वो हो जाएंगे पहला टर्म तो हमें पता था पहले से वो है 3 कॉमा सेकंड टर्म फाइंड हुआ था 11 कॉमा फिर 35 107 और 323, इस तरह से हमने शुरू के पांच टर्म फाइंड कर दिए इस सीक्वेंस के, ठीक। और हमसे कहा गया था ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, ठीक है ना, तो सीरीज जो हमारी हो जाएगी जहां पर भी इस वाले सीक्वेंस में कॉमा लगा हो ना उसकी जगह प्लस का साइन लगा दीजिए, 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323, तो ये हमारी सीरीज हो जाएगी, बस कॉमे की जगह देखिए कॉमा लगा रहे हैं तो हमारे टर्म्स है पहला टर्म दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है ना, और सीरीज अगर लिखनी है तो इन कॉमा को हटाकर बीच में क्या लगा दीजिए प्लस का साइन लगा दीजिए, तो ये हमारी सीरीज।